जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके UPSI के एग्ज़ाम लगे हुए हैं और आपके साहित्य और दोस्तों हिंदी की बोलियों से एक क्वेश्चन आपका जरूर बन रहा है। तो हम दोस्तों आपके लिए फास्ट रिवीजन लेकर के आए हैं हिंदी के बोलियों की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि अगर आप पहली बार जुड़े दोस्तों, जाइए प्लेलिस्ट पे, वहाँ हमने बता दिया कि प्लेलिस्ट बना दिया है UPSI क्विक रिविजन के नाम से। वहाँ जा करके आप अच्छे से रिविजन कर सकते हैं। और आपको बता दें, हमने हिंदी का विकास देख लिया था, अब इसमें हम देखने वाले हिंदी और उसकी प्रमुख बोलियां। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसके बारे में। उससे पहले बता दें, अगर पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कुछ चीजें देखते हैं। सबसे पहली चीज कि हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है। दोस्तों हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो याद रखेंगे शरफुद्दीन यजदी ने दोस्तों 1424 ईस्वी में, किसमें, उनकी रचना थी जफरनामा में। और वही बात करें दोस्तों हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, दोस्तों आपको अमीर खुसरो को याद रखना है। अमीर खुसरो वही हैं जिन्हें खड़ी बोली का जनक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसकी कहते हैं, खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं इनको, है ना। और दोस्तों बात करते हैं हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो वही दोस्तों हैं गारसा दत्तासी, जिन्होंने सबसे पहले हिंदी का इतिहास लिखने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम दोस्तों हिंदी की बोली और उसकी उपभाषा के बारे में। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों, समझिएगा कि हिंदी की दोस्तों कुल कितनी उपभाषाएं, दोस्तों इसको पांच उपभाषाओं में बांटा गया। कितनी उपभाषाओं में, पांच उपभाषाओं में दोस्तों, कौन कौन सी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये पांच उपभाषाओं में बांटा गया। क्वेश्चन आएगा कि हिंदी को कितनी उपभाषाओं में बांटा गया, तो पांच उपभाषाओं में। और दोस्तों इन पांच उपभाषाओं को मिला करके हिंदी को 17 से 18 बोलियों में बांटा गया। दोस्तों कहीं कहीं 18 मिलता है, कहीं कहीं 17 मिलता है। वैसे दोस्तों आयोग ने 18 मान रखा, क्योंकि आपको पता है कि UPTET और भी कई एग्जाम में दोस्तों 18 माना गया है। ठीक है, तो उनके बारे में देखेंगे दोस्तों एक एक करके। तो आपको बता दें कि दोस्तों जो पांच उपभाषा हैं और 17 बोलियां हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए कभी कभार दोस्तों ये पूछता है कि संकुचित अर्थ में दोस्तों, तो देखिए वर्तमान में हिंदी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित तीन अर्थों में होता है। पहला है संकुचित अर्थ में दोस्तों, इसमें केवल और केवल खड़ी बोली आती है। खड़ी बोली को ही दोस्तों मानक भाषा कहते हैं। और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों इसमें केवल दो परिवार आते हैं, कौन कौन से, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, जिसके अंतर्गत दोस्तों 8 बोलियां आती हैं। और विस्तृत अर्थ में दोस्तों आपको बता दें कि हिंदी साहित्य में हिंदी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में होता है और इसके अंतर्गत 5 उपभाषा और 17 बोलियां आती हैं। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों कि पूर्वी हिंदी अगर हम बात करते हैं, क्या पूर्वी हिंदी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसको देखिए किस अपभ्रंश निकला दोस्तों, पूर्वी हिंदी किससे निकली, अर्धमागधी से, किससे, अर्धमागधी अपभ्रंश निकली है। और इसके अंतर्गत कितनी बोलियां हैं, तो 3 बोलियां हैं, कौन कौन सी हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कैसे, कितनी दोस्तों, 3 बोलियां हैं दोस्तों पूर्वी हिंदी में, किसमें, पूर्वी हिंदी में दोस्तों, कितनी कितनी बोलियां हैं, 3 बोलियां, कौन कौन सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। दोस्तों कैसे याद रखेंगे, ए बी सी याद रख लेना, ए बी सी, फिर रटना है, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। दोस्तों ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और दोस्तों किससे निकली है पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी, किससे दोस्तों, अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है इसका विकास। ठीक है, चलिए अब दोस्तों चलते हैं पश्चिमी हिंदी की तरफ। पश्चिमी हिंदी में दोस्तों कितनी उपभाषाएं आती हैं, ठीक है, सॉरी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों कितनी भाषा बोलियां हैं दोस्तों, तो 5, कितनी, 5, कौन कौन सी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, खड़ी बोली। दोबारा देखेंगे, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली दोस्तों। और ये किस भ्रंश के लिए दोस्तों, सौरसेनी, देखिए किससे निकली, सौर सैनी, देखिए सौर सैनी क्या दोस्तों, सूरसेन, सूरसेन दोस्तों पहले किसको बोलते थे, मथुरा के आसपास, तो इस तरह याद रख लेंगे। देखिए ब्रज क्षेत्र है मथुरा का दोस्तों, तो इसीलिए समझेंगे पश्चिमी हिंदी किसके आसपास है, तो सौर सैनी अपभ्रंश से निकली है। और इसमें कितनी बोलियां हैं दोस्तों, तो 5 है, सबसे बड़ी दोस्तों यह है। ठीक है, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली। ठीक है, चलिए अब दोस्तों तीसरा हम देखते हैं दोस्तों, तो बिहारी आ जाती है। बिहारी में दोस्तों, बिहारी निकली दोस्तों, आपको बता दें कि दोस्तों मागधी अपभ्रंश निकली, और इसमें कौन कौन से होती है दोस्तों, मैथिली, मगही, भोजपुरी। देखिए मैथिली, मगही, भोजपुरी याद कर लेंगे, मैथिली, मगही और भोजपुरी दोस्तों बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। और दोस्तों बात करते हैं कि राजस्थानी हिंदी की, दोस्तों राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 आती है दोस्तों, सौर सैनी अपभ्रंश से भी निकली है। दोस्तों जयपुरी को हम पूर्वी हिंदी, पूर्वी राजस्थानी बोलते हैं, मारवाड़ी को पश्चिमी, और मेवाती को उत्तरी राजस्थानी, और मालवी को दक्षिणी। तो जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी दोस्तों। वही बात करते हैं खस अपभ्रंश, खस भाषा की दोस्तों, तो देखिए पहाड़ी हिंदी
एक खासा भरण सैनी के लिए गढ़वाली और कुमाऊनी इसकी दो प्रमुख बोलियां हैं। चलिए अब इनके बारे में देखते हैं दोस्तों। आपको पता है 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है, इसके पहले हम बता चुके हैं। तो दोस्तों सीधा देखने वाले पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी का विकास किससे माना जाता है दोस्तों? अर्धमागधी से। किससे? अर्धमागधी। इसके अंतर्गत 3 बोली आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। चलिए अब देखते हैं अवधी का होता है दोस्तों। अवधी किस लिए नाम पड़ा? क्योंकि आपको पता है इसका व्युत्क्रम कहां से दोस्तों, उत्पत्ति कहां से हुई? अवध से, ठीक है। और याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली यही है। इसके अन्य नाम क्या क्या है दोस्तों? इसको कौशली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौशली। बहुत इंपॉर्टेंट, कौशली, पूर्णी और बैसवाड़ी, ठीक है। तो कौशली बोलते हैं क्योंकि कौशल प्रदेश के दोस्तों, इसलिए कौशली बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट कुछ देखते हैं दोस्तों, कहां कहां बोले जाते हैं दोस्तों। 19 जिले हैं, ठीक है। सुल्तानपुर, बरेली और दोस्तों सुल्तानपुर, अमेठी और बाराबंकी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और दोस्तों हमारा रायबरेली, फैजाबाद दोस्तों जिसको अयोध्या कर दिया गया, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, अंबेडकर नगर में ये बोली बोले थे। इसके अलावा दोस्तों विदेश में भी ये बोली जाती है। अब बात करें दोस्तों इसके साहित्य की, दोस्तों याद रखेंगे अवधि की पहली कृति मुल्ला दाऊद की चंदायन है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंदायन किसके जन, मुल्ला दाऊद की है दोस्तों, अवधि की पहली कृति है। और आपको बता दें कि अवधि का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो मलिक जायसी द्वारा रचित पद्मावत है, ठीक है। और पद्मावत जो है दोस्तों ये जो रामचरितमानस से भी 34 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, इसलिए अवधि का प्रथम महाकाव्य पूछेगा तो जायसी का आपको पद्मावत बता देना है, ठीक है। चलिए और आप आगे देखते हैं दोस्तों, अवधी भाषा का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य पूछे तो आपको रामचरितमानस बताना है दोस्तों, तुलसीदास जी द्वारा अकबर के काल में किया गया था। इसमें 7 कांड हैं, हम पहले बता चुके, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। सबसे बड़ा कांड है दोस्तों बाल कांड और सबसे छोटा कांड है इसमें किष्किंधा कांड, ठीक है। अन्य रचना की बात करें दोस्तों, तो मुल्ला दाऊद ने चंदायन रचना की अवधि में, ठीक है। राम कुमार वर्मा ने दोस्तों इसको प्रथम सूफी कवि माना है, ठीक, मुल्ला दाऊद को। और दोस्तों कुतुबन द्वारा लिखा गया मृगावती से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी कवि माना है दोस्तों, ना रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक, इसको राम कुमार वर्मा ने, इसको राम कुमार ने, ठीक है। और दोस्तों अवधि में उस्मान ने चित्रावली लिखी, शेख निखार ने दोस्तों यूसुफ जुलेखा लिखा है, कासिम शाह ने दोस्तों हंस जवाहर लिखा है और नूर मोहम्मद ने इंद्रावती, ठीक है। और दोस्तों अनुराग बांसुरी लिखा है और जायसी ने दोस्तों पद्मावत, अखरावत, अखरी कलाम, कन्हावत, चित्रलेखा लिखा है और शेख नबी ने ज्ञानदीप लिखा है और असाइद ने दोस्तों क्या लिखा है, हंसावली, और पुहकर ने रसरतन और मंझन ने मधुमालती और ईश्वरदास ने सत्वती कथा लिखा है दोस्तों, नरोत्तम दास ने सुदामा चरित, तुलसीदास ने दोस्तों कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं तो आपको बता दें रामचरितमानस दोस्तों ये दोहा वाली, गीता वाली दोस्तों ये आपकी बता दें, कृष्ण कविता वाली ये दोस्तों आपकी ब्रजभाषा में, तो इनको आप अलग कर लीजिएगा। तो रामचरितमानस, जानकी मंगल है ना, और पर्व रामायण, रामलला, वैराग संदीपनी और अमाज्ञा प्रश्नावली दोस्तों, ठीक। और द्वारका नाथ दोस्तों कृष्णायन लिखा, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये रचनाएं आप जरूर याद रखिएगा, एक बार आप दोबारा देख लीजिए, इनको आप लिख लीजिए, मुल्ला दाऊद की चंदायन, कुतुबन की मृगावती, ठीक है। कुतुबन क्या है दोस्तों? मृगावती ना, वन में क्या मृग होते हैं, ठीक। उस्मान चित्रावली दोस्तों या रखेंगे, ठीक, उसके मान में, उसकी मान के लिए दोस्तों हमने क्या कर दिया, चित्र बना दिया उसका, ठीक है। शेख निसार दोस्तों जुलेखा, ठीक है। और कासिम शाह की हंस जवाहर, क्या कासिम शाह की क्या है, हंस जवाहर दोस्तों, ठीक है। चलिए तो ये चीजें आप देख लेंगे, नूर मोहम्मद दोस्तों इंद्रावती और अनुराग वासुरी दोस्तों पूछी जा चुकी है, ठीक। जायसी के बारे में तो आपको पता है, सबको पता होगा, असायद का हंसावली दोस्तों, और मंझन का मधुमालती और ईश्वरदास का सत्यवती कथा दोस्तों, ये चीजें याद रख लेंगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं बघेली के बारे में। देखिए बघेली जो है दोस्तों दूसरी पूर्वी हिंदी की दूसरी बोली जो है बघेली, इसको दोस्तों रीवा होने के कारण दोस्तों इसका केंद्र क्या मानते हैं, मध्य प्रदेश का रीवा, इसलिए इसको रीवाई भी बोलते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है, देखिए सबसे ज्यादा लोगों द्वारा कौन बोली जाती है तो अवधि, और सबसे कम लोगों द्वारा उत्तर प्रदेश में तो बघेली, ठीक है। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं दोस्तों? इसी को बोलते हैं रिवाई, बघेलखंडी, कुंभारी, ओझी, गोंडवानी, केवरी या फिर रिमही दोस्तों, ठीक। तो चलिए इसका क्षेत्र क्या है दोस्तों? रीवा, सतना, दमोह, जबलपुर, बालाघाट, सिंगरौली और अनूपपुर दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ी दोस्तों, छत्तीसगढ़ को दोस्तों होने के कारण इसको छत्तीसगढ़ी कहते हैं। इसके अन्य नाम क्या क्या है? तो खलताही भी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी को, खलोटी भी बोलते हैं, खलताही बोलते हैं और लरिया भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका क्षेत्र क्या है? तो रायपुर हो गया, बिलासपुर, सरगुजा, कौरिया, रायगढ़ और खैरागढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर और बस्तर दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आप जान चुके हैं दोस्तों। तो हमने जो पूर्वी हिंदी थी अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, उनके बारे में हमने जान लिया। चलिए अब देखते हैं पश्चिमी हिंदी के बारे में। किसके बारे में? पश्चिमी हिंदी के बारे में।
देखिए पश्चिम हिंदी की बात करें दोस्तों, पश्चिम हिंदी किससे निकली है? सौर सैनी, क्योंकि दोस्तों ये सूर सैन के आसपास ये हिंदी बोली जाती है, सूर सैन मतलब मथुरा के आसपास, तो याद रखेंगे सौर सैनी से। ठीक है, इसके अंतर्गत पांच बोली आती है, ब्रजभाषा, ठीक, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली। देखिए भोलानाथ त्रिपाठी दोस्तों इस थोड़ा सा देखेंगे इसको, दोस्तों दो भागों मारते, ओकार बहुला, ठीक, आकार बहुला, ओकार बहुला। आकार बहुला के अंतर्गत हरियाणवी खड़ी बोली आएगी और ओकार बहुला के अंतर्गत दोस्तों ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ओकार का तो इसके बाद में दोस्तों इसके लास्ट में ओ की मात्रा ज्यादा लगाई जाए ना। चलिए अगला पहले देखते हैं ब्रजभाषा। देखिए ब्रज का पुराना अर्थ अर्थ क्या होता है दोस्तों? पशुओं या गायों का समूह। ठीक है, ब्रज क्षेत्र की भाषा होने के कारण इसको ब्रजभाषा कहते हैं और इसका विकास भी सौर सैनी हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए ब्रजभाषा के अन्य नाम क्या है? अंतरवेदी कहते हैं, ब्रजी कहते हैं, ब्रिज कहते हैं और ब्रिजकी कहते हैं, मणिमाधुरी कहते हैं, माधुरी बोलते हैं, नागभाषा भी ब्रजभाषा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए जो इसमें इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था दोस्तों, बंगाल में भक्ति काल के कवि चैतन्य महाप्रभु आदि के द्वारा प्रयोग में लाई गई ब्रजभाषा को ब्रजबोली कहते हैं। ठीक, इसका केंद्र क्या है? मथुरा है। ठीक, कहाँ कहाँ? मथुरा, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, एटा, बदायूं, मैनपुरी और बरेली। दोस्तों अगर हम ब्रज की साहित्य की बात करें दोस्तों, तो ब्रज में दोस्तों कृष्ण साहित्य ज्यादा हुआ है। सूरदास ने दोस्तों ब्रजभाषा में लिखा है, सूर सागर, सूर सारावली, सूर साहित्य लहरी। ठीक है, और तुलसीदास ने दोस्तों कविता वाली, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली ये लिखा है ब्रजभाषा। वहीं रसखान ने प्रेम वाटिका, प्रेम सुजान और बिहारी ने बिहार सत्सई दोस्तों। ठीक है, वहीं बात करते हैं केशवदास की दोस्तों, जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावरी और जहांगीर जसचंदिका। दोस्तों घनानंद ने क्या लिखा दोस्तों ब्रजभाषा में? तो सुजान सागर, सुजान ही सुविरह लीला। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र दोस्तों आपको पता है कि बंदर सभा, वर्षा विनोद, होली है ना, प्रेम माधुरी, दान लीला, दशरथ विलाप, गीत गोविंद आनंद लिखा है। और आपको बता दें इन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं? आधुनिक हिंदी का जनक बोलते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगले हो गए ब्रजभाषा, हो गए कन्नौजी देखते हैं। कन्नौजी का नाम कन्नौज क्यों पड़ा? क्योंकि कान्यकुब्ज के नाम से कन्नौज, कन्नौजी बोली इसका पड़ा है। ठीक है, फर्रुखाबाद इसका केंद्र है। आप बता दें इसको पूर्वी ब्रज, कन्नौजिया या फिर कन्नौजी या फिर पांचाली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपको बता दें क्योंकि कन्नौज दोस्तों पंचाल था, इसीलिए इसको पंचाली के नाम से जाया जाने लगा। ठीक है, चलिए अब इसका क्षेत्र क्या है? कन्नौज, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, औरैया। ठीक है, और आपको बता दें कि दोस्तों कन्नौजी भाषा में ही, कन्नौजी सॉरी बोली में ही दोस्तों मलूकदास द्वारा रचित अवमन्यु वध कन्नौजी में ही लिखा गया, ये ओकारांत है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बुंदेली देखते हैं दोस्तों। बुंदेली देखिए, आपको पता है कि बुंदेली राजपूतों के अधिपत्य के कारण इस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा और यहां की बोली को दोस्तों बुंदेली या बुंदेलखंडी के नाम से जाना जाने लगा। तो बुंदेली को ही दोस्तों बुंदेलखंडी भी बोला जाता है और ये ओकार बहुला बोली है। इसका विकास दोस्तों सौर सैन्य भ्रंश से हुआ है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों इसका क्षेत्र क्या है? तो आपको बता दें दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के दोस्तों आपको पता है कि दक्षिण वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जालौन हो गया, हमीरपुर, बांदा, ठीक है, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर और दोस्तों एमपी के मुरैना, ग्वालियर, ओरछा, सागर, दमोह, सिवनी और जबलपुर, होशंगाबाद में। ठीक है, और इसकी उप बोली दोस्तों बनाफरी है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों आपको बता दें कि हिंदी में प्रसिद्ध जगनिक द्वारा रचित लोक गाथा आल्हा दोस्तों बुंदेली की एक उप बोली दोस्तों बनाफरी में लिखा गया और इसी में दोस्तों ईसुरी के फाग भी लिखे हैं। और आपको बता दें कि लाल कबीर ने छत्रसाल बुंदेला की आज्ञा से बुंदेली में छत्र प्रकाश की भी रचना की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों कि हरियाणवी, हरियाणवी दोस्तों हरियाणा में प्रचलित होने के कारण इसका नाम हरियाणवी पड़ा और ये आकार बहुला बोली है दोस्तों, इसका विकास सौर सैनी अपभ्रंश से ही हुआ है। अगर इसके अन्य नाम की बात करें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बांगरू, ठीक है, बांगरू ये इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया और बांगर बोलते हैं, जादू भी बोलते हैं, देशवाड़ी बोलते हैं, देशाणी बोलते हैं, हरियाणी बोलते हैं और हरियाणी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। अब बता दें आपको कि इसकी इसको दोस्तों कहां कहां बोला जाता है, तो याद रखें करनाल हो गया, रोहतक हो गया, पानीपत, हिसार, जींद, बहादुरगढ़, दादरी और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं खड़ी बोली दोस्तों। खड़ी बोली, खड़ी क्यों बोलते हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों देखिए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने क्या बोला है, इसमें इसके वर्णों में खड़ी पाई की अधिकता होती है इसलिए खड़ी पाई बोलते हैं। और उदय नारायण तिवारी का बोलते हैं दोस्तों खड़ी है, थोड़ा कर्कश कानून चुभने वाली है इसलिए इसको खड़ी बोली बोला था। और रामचंद्र शुक्ल क्यों बोलते हैं, ये खड़ी अर्थात शुद्ध है इसलिए इसको खड़ी बोली कहते हैं। और दोस्तों यही सर्वमान है, यही सबसे
ज्यादा माना जाता है। और इसके अन्य नाम की बात करें तो कौरवी, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, कौरवी पूछा भी जा चुका कई बार कि कौरवी खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, कौरवी। सर हिंदी बोलते हैं, गंवारू बोलते हैं, कर्कश्ता बोलते हैं, वर्नाक्यूलर हिंदी बोलते हैं, हिंदुस्तानी नागरी बोलते हैं, जनपद हिंदुस्तानी या खड़ी भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए ये चीजें हैं दोस्तों, जैसे गंवारू किसने कहा इस खड़ी बोली को, तो गिलक्राइस्ट ने कहा, लल्लू लाल ने इसको खड़ी कहा, चंद्र शर्मा गुलेरी ने दोस्तों खड़ी बोली कहा, और कामता प्रसाद गुरु धीरेन्द्र वर्मा ने क्या बोला, कर्कश्ता बोला, और जनपद हिंदुस्तानी सुनीति कुमार चटर्जी द्वारा बोला गया मेरे दोस्तों। ये आकार बोला बोली और सौरसेनी अपभ्रंश से निकली। आपको बता दें आज संस्कृत से युक्त खड़ी बोली को ही राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। और एक चीज याद रखेंगे कि खड़ी बोली का ही प्रतिष्ठित रूप हिंदी है, जो पत्र पत्रिकाओं, शिक्षा, प्रशासन, व्यापार और सूचना संचार में प्रयुक्त हो रहा, मतलब आप जो है दोस्तों वो खड़ी बोली का ही इस्तेमाल हो रहा है आपके हर एक चीज में दोस्तों। और खड़ी बोली मानक हिंदी क्या है, खड़ी बोली एक मानक हिंदी जिसका प्रयोग हर जगह है, लिखा पढ़ी में हर जगह किया जाता है, ठीक है। चलिए और याद रखेंगे कि खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है, तो श्रीधर पाठक हैं, सॉरी आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है दोस्तों, श्रीधर पाठक हैं। और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि दोस्तों तो कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। अगर पूछ ले खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्रीप्रवास है, अयोध्या सिंह हरिओ द्वारा लिखा गया। और खड़ी बोली के प्रथम पुरुष प्रथम कवि कौन है दोस्तों, अमीर खुसरो हैं। और खड़ी बोली को ही खड़ी बोली का जनक ही अमीर खुसरो को कहा जाता है। याद रखेंगे उत्तरी भारत में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो गंग कवि ने किया, किसमें, चंद छंद वर्णन की महिमा में। और दोस्तों दक्षिणी भारत में खड़ी बोली सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो मुल्ला वजही ने किया, सबरंग नामक अपनी रचना में। और खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि कौन है, श्रीधर पाठक हैं। और परिमार्जित या शुद्ध खड़ी बोली गद्य की रचना कौन सी है, तो भाषा योग वशिष्ठ दोस्तों 1771 में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया। और आपको बता दें संभवतः खड़ी बोली शब्द का प्रयोग लल्लू लाल द्वारा प्रेम सागर में किया गया, और इसका केंद्र क्या है, मेरठ है दोस्तों। और इसको दोस्तों कहां कहां बोला था, सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुर और बुलंदशहर, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बरेली और अमरोहा, बिजनौर दोस्तों। इसके अलावा उत्तराखंड में बोला जाता है, उत्तराखंड के दोस्तों हरिद्वार और देहरादून, नैनीताल में दोस्तों, और हरियाणा में फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, पलवल। दोस्तों थोड़ा सा अगर तेज हो स्पीड तो धीमे करके सुन लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके पास समय बहुत कम है, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा तेज चला रहे हैं, ठीक है। अब आपको बता दें कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह हरिऔध द्वारा रचित प्रीप्रवास है। और खड़ी बोली का प्रथम गद्य रचना ख्वाजा बंदे नवाज गेसुद राज द्वारा किया गया, क्या नाम था उसका, मिराजुल आसकी, ठीक है। चलिए कुछ रचनाएं देखते हैं खड़ी बोली की, तो सदा सुखलाल द्वारा सुख सागर, और इंशाअल्लाह खान द्वारा रानी केत की कहानी दोस्तों इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लल्लू लाल द्वारा प्रेम सागर, और सदर मिश्र द्वारा नासिक केतोपाख्यान दोस्तों, और गंग कवि द्वारा चंद छंद वर्णन की महिमा लिखा गया, ठीक है। और वहीं दोस्तों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की बनारस अखबार तथा राजा लक्ष्मण सिंह की प्रजा हितैषी मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे दोस्तों, खड़ी बोली का विकास भारतेंदु युग, द्विवेदी युग तथा छायावाद युग का योगदान रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, अब आगे क्या है दोस्तों, एक चीज़ याद रखें, काशिका बोली दोस्तों भाषाई परिवार के अनुसार काशिका एक भारतीय आर्य भाषा की बोली है, जो कि कहाँ बोली जाती है, काशिका दोस्तों काशी के आसपास यानी वाराणसी क्षेत्र के आसपास इसको बोला जाता है। चलिए अब देखते हैं बिहारी हिंदी, देखिए हमने पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी देख लिया, बिहारी हिंदी देखते, देखिए बिहार में अधिकता होने के कारण इस उपभाषा को बिहारी हिंदी कहा गया, और इसका जन्म दोस्तों मागधी अपभ्रंश से निकला। इसमें भी दोस्तों तीन बोलियां हैं दोस्तों, मैथिली, मगही, भोजपुरी। चलिए मैथिली के बारे में देखते हैं, आपको बता दें यह प्राचीन मिथिला प्रदेश की बोली है, यह रामायण के अनुसार मिथिला नरेश राजा जनक की राजभाषा थी। और आपको बता दें इसका नामकरण 1801 ईस्वी में दोस्तों कोलबुक द्वारा किया गया, और यह बिहार की राजकीय भाषा है, कौन सी, मैथिली। आपको बता दें मैथिली भारत में बोली जो है, भारत के साथ नेपाल में भी बोली जाती है। और दोस्तों आपको बता दें कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में शामिल एकमात्र हिंदी की बोली कौन सी है, मैथिली ही है दोस्तों। और इसे 8वीं सूची में दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा शामिल किया गया दोस्तों, और 2007 में नेपाल के अंतरिम संविधान में इसे एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में भी स्थान
दिया गया है, ठीक है। और आपको बता दें कि भारत के झारखंड राज्य ने भी इसे द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है, ठीक। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि विद्यापति द्वारा मैथिली साहित्य में दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें मैथिल कोकिल कहते हैं, तो विद्यापति जी को मैथिल कोकिल कहते हैं। और आपको बता दें विद्यापति द्वारा मैथिली में पदावली की रचना की गई दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे देखो दोस्तों, इसके इसका क्षेत्र कौन कौन सा था। तो बिहार में जैसे दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, मधेपुरा, अररिया, वैशाली, रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद और देवघर में दोस्तों ये बोले थे। बाकी नेपाल में भी है मैथिली कुछ कवि दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मगही देखते हैं दोस्तों। मगही क्या है, इसका विकास मगध के आसपास माना जाता है इसको, ठीक है। और इसका केंद्र क्या है, पटना। और क्षेत्र कौन सा, गया, पटना, पलामू, मुंगेर, राजगीर जिसको नालंदा बोलते थे दोस्तों, जहानाबाद, अरवल, नवादा, शेखपुरा और लखीसपुर राय है ना, और औरंगाबाद, जमुई, ठीक है। और दोस्तों इसकी उपबोलियां आप देख सकते हैं। इसके दोस्तों साहित्य की बात करें, घमंडी दास द्वारा दोस्तों लिखा गया मगही रामायण, और योगेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा दोस्तों गौतम महाकाव्य लिखा गया, और डॉक्टर उमा शंकर भट्टाचार्य द्वारा मगही कहावत लिखा है। और मगही का पहला महाकाव्य दोस्तों गौतम है, जिसे योगेश्वर द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो याद रख लेंगे। और आपको बता दें योगेश्वर प्रसाद सिंह आधुनिक मगही के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं, जिसके कारण इनके जन्मदिवस को दिवस 23 अक्टूबर को मगही दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। चलिए भोजपुरी की बात करते हैं दोस्तों। भोजपुरी शब्द का निर्माण बिहार के प्राचीन भोजपुर यानी आरा के आधार पर पड़ा, जो कि राजा भोज के जिले का नामकरण था। और आपको बता दें भोजपुरी शब्द का सबसे पहले प्रयोग दोस्तों किसने किया, अंग्रेज विद्वान रेमंड द्वारा किया गया। और आपको बता दें कि भिखारी ठाकुर को उनके भोजपुरी साहित्य के योगदान के लिए, किसको, भिखारी ठाकुर को उनके भोजपुरी साहित्य के योगदान के लिए भोजपुरी का भारतीय या फिर भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। और आपको बता दें कि भोजपुरी बोली में ही दोस्तों हिंदी में सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं, और हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली भी कौन सी है, यही है। और आपको बता दें कि भोजपुरी में दोस्तों मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को प्रकाशित किया गया है, जो कि विश्व की 154 भाषाओं में से एक है दोस्तों। अन्य बोली भोजपुरी और क्या बोलते हैं, पूर्विया बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, पूर्विया। इसके क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए बिहार में बक्सर हो गया, सारण हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, चंपारण, वैशाली, भोजपुर और रोहतास, बक्सर। उत्तर प्रदेश में बलिया, वाराणसी, चंदौली, गोरखपुर, महाराजगंज, गाजीपुर, मिर्जापुर, मऊ। और झारखंड में दोस्तों पलामू, गढ़वा में। और विदेश में दोस्तों नेपाल हो गया, सूरीनाम हो गया, तिरनाम हो गया, टोबैगो हो गया, फिजी, मॉरिशस और गयाना में दोस्तों ये बोली जाती है, ठीक है। चलिए अब राजस्थानी की बात करते हैं दोस्तों। चौथा क्या है, राजस्थानी दोस्तों, राजस्थानी किससे निकली, सौर सैनिक। इसकी भी चार उपभाषाएं हैं, ठीक है, चार बोलियां, सॉरी बोलियां चार हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी दोस्तों। जयपुरी की बात करते हैं, इसको दोस्तों बोलते हैं जयपुरिया भी कहते हैं, और पूर्वी राजस्थानी बोलते हैं, क्या, पूर्वी राजस्थानी। और इसके उपनाम क्या है, ढूंढाड़ी है ना, झाड़शाही, तो ढूंढाड़ी ये पूछा था, ढूंढाड़ी पूछा था दोस्तों। कहाँ कहाँ बोलाता है, तो जयपुर, किशनगढ़, अजमेर और टोंक में। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, मारवाड़ी। आप बता दें मारवाड़ी को हम पश्चिमी राजस्थानी के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसी में मीरा के पद लिखे गए हैं, इसको मरुभाषा भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें, कहाँ कहाँ बोले थे, जोधपुर, अजमेर, चुरू है ना, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही, पाली, जामोर। और दोस्तों मेवाती ये भी सौर सैन्य वृक्ष निकली, और इसे हम उत्तरी राजस्थानी के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों कि इसी बोली में चरणदासी संत कवियों का काव्य मिलता है। कहाँ कहाँ बोले थे दोस्तों ये, तो अलवर हो गया, गुड़गांव हो गया, भरतपुर, दिल्ली, करनाल में। दोस्तों मालवी की बात करते हैं दोस्तों, जैसे दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं, और इसका केंद्र कहाँ है, मालवा है दोस्तों। और आपको बता दें, ठीक है, इसमें दोस्तों इसकी उपबोली निमाड़ी और रांगड़ी भी है दोस्तों, ये रांगड़ी, ठीक है, आपको बताना चाहिए। इसका क्षेत्र क्या क्या है, तो कोटा हो गया, प्रतापगढ़, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम और होशंगाबाद, ठीक है, ये इसके क्या क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए पहाड़ी हिंदी, क्या पहाड़ी हिंदी दोस्तों, पहाड़ी हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, खासापुरम से हुआ दोस्तों। इसमें दो मेन है दोस्तों, और ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ही बोली जाती है, गढ़वाली और कुमायूं दोस्तों, ठीक है। तो कुमायूं मंडल दोस्तों, कुमायूं आपको बता दें कि दोस्तों कुमायूं शब्द कहाँ से बना है, पूर्वांचल से दोस्तों, ठीक, कहाँ से, पूर्वांचल से, और इसका नाम पर कुमायूं के नाम, कुमायूं नाम पर पड़ा दोस्तों। और ये क्षेत्र में कहाँ कहाँ बोले जाते हैं दोस्तों, आपको नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत, यानी छह जिलों में कुमायूं बोली जाती है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, उसके बाद दोस्तों गढ़वाली, इस बोली का नाम गढ़वाल के मंडल के नाम पड़ा। और दोस्तों ये सात जिलों में कहाँ, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग आदि में बोली जाती है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आपके, बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे,
पोलियो संबंधी वीडियो, ठीक है। अगर कोई कमी है दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इतने फास्ट हमने इसको देखा है, ठीक है। रिवीजन के तौर पर आप धीमे कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा तेज है, ठीक है। और दोस्तों जाइए प्ले स्टोर जहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है, UPSI क्विक रिविजन के नाम से, वहाँ जा करके आप देखिए, वहाँ पर आपको वीडियो पहले से लगी हुई मिल जाएंगे दोस्तों। और हमारी ये जो हिंदी की ई बुक है दोस्तों, इसकी अगर ई बुक खरीदने जाते हैं केवल बोली की, तो 25 रुपये में दोस्तों आपको ये मिल जाएगी। नीचे लिंक भी दे देंगे, और दोस्तों या फिर आप हमारे व्हाट्सअप पर दोस्तों मैसेज करके भी इसको परचेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए जय हिंद जय भारत। और पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू, धन्यवाद।